किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए ऑप्शन चार्टर एक्ट 1833, बी ऑप्शन चार्टर एक्ट 1853, सी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देश प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकता। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है आपको। आई पॉइंट में एक नंबर में, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। इस विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 से और अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही? ए ऑप्शन आई ए आई ऑप्शन 2 I 3 I, बी ऑप्शन 2 I 3 I, सी ऑप्शन 1 I और 3 I, डी ऑप्शन केवल आई 1 I। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 I और 3 I, 2 और 3। ठीक है, ये वाला बात गलत है, बाकी ये दो बात मैंने बताई थी ये बिल्कुल सही है। इसको एक बार देख लेते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया था, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 में इसमें 6ठा सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जुड़ा। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी थी? 6 हो गई, पहले 5 थी अब 6 हो गई। ठीक है, तो 12 कर दी गई, जिनमें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता है। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया था, केंद्र और प्रांतीय सब बराबर थे, कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, चलिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। आई नंबर, इसे 20 जून 1852 को लागू किया गया। 2 I, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। 3 I, सदस्यों को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 1 I 2 I 3 I, बी ऑप्शन 1 I 2 I, सी ऑप्शन 1 I 3 I, केवल डी ऑप्शन केवल 2 I। तो यहाँ पर आपका आंसर स्टार लगा, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, छत्तीसगढ़ PCS 2021 में पूछा गया है, तो हम लोग सीधे इस पर ही आ जाते हैं। भारत परिषद 92 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई, यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया? 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ए ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1909, डी ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1919। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके द्वारा हम लोग अपने बहस कर सकते हैं बजट पर। ठीक है, बजट पर बहस कर सकते हैं। किस भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन भारत काउंसिल अधिनियम 1892, बी ऑप्शन मार्लो मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 9 का अधिनियम संबंधित था एक, ए ऑप्शन प्रत्यक्ष मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, बी ऑप्शन विकेंद्रीकरण से, सी ऑप्शन द्वैत शासन से, डी ऑप्शन विधान परिषद से। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रत्यक्ष मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, और इसमें मुसलमानों को अलग किया गया था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ए ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1861, बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1909, सी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो सभी गलत हैं, किसी में नहीं की गई। ठीक है,
अब हम इधर देख लेते हैं व्याख्या इसकी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। अगला प्रश्न, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन 1935 में, बी ऑप्शन 1937 में, सी ऑप्शन 1946 में, डी ऑप्शन 1947 में। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1937 में। एक बार देख लेते हैं, इसमें देखते हैं भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1937 में फ्रेंड्स, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ए ऑप्शन 1909 के अधिनियम, बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। प्रश्नों को आप याद रखना, सी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, डी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1947। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, द्वैध शासन पूछा था, ठीक है। तो एक बार हम लोग ये वाला हो गया, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ, भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ए ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1909, डी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1892। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषता है? ए ऑप्शन प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा पॉइंट, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा पॉइंट, केंद्र और प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन दो और तीन, सी ऑप्शन एक और तीन, डी ऑप्शन एक दो तीन। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक और तीन, एक और तीन हो जाएगा। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। ये वाला गलत हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, ये वाला नहीं है इसमें 1919 वाले, ठीक है, नहीं है। इसको एक बार देख लेते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेगु एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो ये प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों एवं एग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गई थी। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डायआर को सिद्धांत किसे निर्देशित करता है? ए ऑप्शन केंद्रीय विधानमंडलों का दो सदनों में विभाजन, बी ऑप्शन दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकार का शुरू किया जाना, सी ऑप्शन दो शासक समुच्चय एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना चाहिए, डी ऑप्शन प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रभागों में विभाजन। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन, ठीक है।